पिछले दिनों राजस्थान के जयपुर की रहने वाली मोनिका ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराकर मरुधरा का नाम पूरे देश में रोशन किया था। और अब जोधपुर के लाल सोहन तनवर ने 51 फीट तिरंगा तंजानिया के क्ली मंजारो पर फहराकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन तस्वीरों को देखकर वाकई हर भारतीय को इस वक्त गर्व महसूस हो रहा होगा। आपको बता दें, सोहन ने महज 24 घंटे में चढ़ाई कर भारत के 51 फीट लंबे तिरंगे को वहां न सिर्फ लहराया बल्कि राष्ट्रगान से पूरे पर्वत चोटी को गुंजायमान किया। 24 घंटे की इस चढ़ाई पर इनको तंजानिया सरकार की तरफ से जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जोधपुर के इस नौजवान को 51,000 रुपए सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी थी। वहीं सोहन ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ये चढ़ाई उनकी पिछली सभी चढ़ाइयों से मुश्किल थी। टेम्परेचर -20 डिग्री था और हवा -0.5 में चल रही थी, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ये नायाब रिकॉर्ड देश के नाम कर दिया। जय हिंद साथियों, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने आज माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, उसको मैंने सबमिट किया 24 घंटे में। और वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ जहाँ पर कोई नेशनल फ्लैग 51 फीट लंबा मैन टॉप वहाँ मैंने लहराया राष्ट्रगान के साथ, ऐसा पहली बार हुआ। आप सभी का सपोर्ट मिला, सभी की दुआएं मेरे साथ थी, मैंने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जो मेरे साथ हुआ, शायद मेरे साथ जब माउंट एवरेस्ट जब मैंने सबमिट किया तब भी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ इस वक्त हुआ। माइनस ऑक्सीजन और 35-40 समथिंग ऑक्सीजन थी और माइनस डिग्री 15-20% माइनस डिग्री पे मैं चल रहा था। सबमिट करने के बाद तबीयत ख़राब हुई, मुझे हाफ तक नीचे लाया गया एम्बुलेंस में, मेरा हेयर हाथ और पांव डेड हो गए थे, हरे पड़ गए थे, ग्रीन हो गए थे। और शेरपा ने मेरी बहुत मदद की, शेरपा ने कैसे करके मुझे नीचे ले आए, फिर एम्बुलेंस से मुझे टॉप तक जो हमारा जो हरूबो टॉप था हट वहाँ पे लेके गए। और अब मैं रेडी हूँ, आप सभी की दुआ थी, मैंने जो भी किया इंडिया के लिए किया। मुझे मेरा एक जो टारगेट था कि मुझे 51 फीट का तिरंगा लहराना है तो लहराना है, वो मैंने किया और 51 फीट का तिरंगा हाईस्ट टॉप पे लहराया। अफ्रीका की सरकार जो तंजानिया सरकार है, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया और बधाई का संदेश भी दिया। और मैंने जो आज किया वो इंडिया के लिए किया, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ हुआ तो वो हुआ जो कोई ना, लेकिन मैंने इंडिया के लिए तिरंगा मुझे लहराना था वो मैंने किया। आप सभी की दुआ थी। जय हिंद, जय भारत।